फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम आलू से एक ऐसा नाश्ता बनाने जा रहे हैं जो कि बनाना बहुत ही आसान है। हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेड पोटैटो। तो इसमें हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको लेना है कच्चा आलू और इसी तरीके से आलू को छील लेना है। आलू जैसे ही हम छील लेंगे, हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। आपको ये नाश्ता बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। मैं इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ एक बाउल में, क्योंकि हमें इस आलू को धोना है। यहाँ पे डालेंगे पानी और आलू को हम कम से कम 3 से 4 बार धोएंगे। आप नल के नीचे भी अच्छे से छन्नी में लेके धो सकते हैं। तो इसमें से जितना भी स्टार्च है, हमें आलू में से सारा स्टार्च निकालना है। तो आप जितनी बार आलू को धो रहे हैं, आलू को इस तरीके से निचोड़िए ताकि जितना भी स्टार्च है इसमें निकल जाए। ये आप देख सकते हैं, आलू की जो स्टार्च है, आलू में जो भी स्टार्च था वो पूरा इस पानी में निकला है। मैं इसे 2 बार और धो लेती हूँ। मैंने पोटैटो को अच्छी तरीके से 3 बार धो लिया है और इसे बहुत ही अच्छी से आपको स्क्वीज करना है, निचोड़ना है, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अदरक, मिर्ची, लहसुन, तीनों का पेस्ट है ये। अदरक, मिर्ची, लहसुन मैंने इस तरीके से पीस लिया है, आप ग्रेट भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली है तो चिली फ्लेक्स मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच। आप चिली फ्लेक्स की जगह पे लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार। अब डाल रही हूँ थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर अगर ना हो तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन अगर ना हो तो आप मैदा डाल सकते हैं, मैदा ना हो तो कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी ना हो तो आप गेहूं का आटा डाल सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में अपना अपना टेस्ट होता है, तो आप इसमें से कुछ भी डालिए तो थोड़ा सा टेस्ट में फर्क आएगा। मैं बेसन डाल रही हूँ। 3 आलू में मैंने 3 चम्मच बेसन डाला है। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप अंडा, एग खाते हैं तो आप 1 अंडा तोड़कर इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये एक शेप होल्ड कर रहा है, देखिए। तो बस अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे रख लिया है एक तवा, और तवे पे डालेंगे तेल। 1-1 चम्मच तेल डाल देंगे हम। अब इस मिक्सर को लेंगे और आप जो शेप बनाना चाहते हैं वो शेप बना सकते हैं। गोल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, इस तरीके से अपने हथेली पर बना लीजिए। मैं इसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ। बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है, 1/2 इंच तक आप मोटा बना सकते हैं इसे। ये देखिए, शेप बन करके तैयार है। अब इसे रख देंगे तवे पर। गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है। तीन आलू में हमने यहाँ पे 4 पोटैटो हैश बनाए हैं मीडियम साइज की। तो फ्रेंड्स, अब इसे ढक देते हैं और इसे लो फ्लेम पर आपको तब तक सेकना है जब तक एक तरफ से अच्छा क्रिस्पी गोल्डन कलर ना आ जाए। फ्रेंड्स, एक तरफ से सेकते हुए मुझे यहाँ पे 4 मिनट हो गए हैं, तो चेक कर लेते हैं। और मैंने बीच में 2 मिनट पहले चेक किया था, तभी अच्छा क्रिस्पी नहीं था। ऊपर भी 2-2 बूंद तेल लगा देंगे, 1 से 2 ड्रॉप तेल लगाएंगे और इसे पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसपे। अब ढक देते हैं और इस तरफ से भी सेम कलर आने तक पकाएंगे, तो 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, पर आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छा पक चुका है ये और एकदम क्रिस्पी हो गया है। बस अब गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसे सर्व करते हैं। आप इसे टोमेटो सॉस या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। क्रिस्पी तो ये बहुत ही है, ये देखिए। मैं आपको अभी एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। ये देखिए, अंदर से भी अच्छे से पक गया है और ऊपर से भी अच्छा क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।